Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. My name is Sahil and आज मैं आप लोगों के लिए एक get ready with me session का video लेके आया हूँ, जिसके अंदर मैं completely अपने outfits कैसे choose करता हूँ, अपनी accessories कैसे choose करता हूँ, कैसे अपने hair set करता हूँ, कैसे अपने shoes choose करता हूँ, सभी चीजें मैं आप लोगों को आज step by step पूरा एक get ready with me session आप लोगों को बताऊंगा, जिसके अंदर एक event के लिए जिधर मैं जा रहा हूँ उस event के लिए मैं आप लोगों को खुद तैयार होके सारी चीजें चूज करके सब कुछ करके आप लोगों को बताऊंगा. सो लेट्स गेट इन द वीडियो गाइस, लेट्स डू इट. सो द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहली चीज हम लोग करेंगे कि आउटफिट सिलेक्ट कर लेंगे. यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी चीजें लगी हुई है, तो आउटफिट सिलेक्ट करते वक्त हम लोगों को दो चीज ध्यान में रखनी है. सबसे पहली चीज कि बाहर का वेदर कैसा है, बाहर आप जहाँ जा रहे हो, कोई भी फंक्शन अगर आप विजिट कर रहे हो, किधर भी जा रहे हो, वहाँ का वेदर कैसा है. दूसरी चीज वो फंक्शन किस टाइप का है, वो एक फॉर्मल इवेंट है, वो एक इनफॉर्मल इवेंट है, कैजुअल क्लोथिंग चल सकता है. ये सारी चीजें ध्यान में रख के आप लोगों को जो अपना आउटफिट है वो सिलेक्ट करना है. मैं आज अपना आउटफिट इस हिसाब से सिलेक्ट कर रहा हूँ कि मैं एक रिसेप्शन में जा रहा हूँ, वेडिंग रिसेप्शन जो होता है उसमें जा रहा हूँ, तो वो हिसाब से मुझे जैसे आउटफिट्स कैजुअल आउटफिट्स इज ओके, इट इज पार्टी लुक टाइप जो है हम लोग रॉक करेंगे, तो उसके लिए मुझे कैसे आउटफिट सिलेक्ट करना है. सबसे पहली चीज़ मैं आउटफिट सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ही शार लेने जाता हूँ. हमेशा शार के बाद आउटफिट सिलेक्ट करना इज लाइक मुझे बहुत ज़्यादा खाई हो जाती है, तो मैं वो चीज़ नहीं करता हूँ. तो सबसे पहले हम लोग आउटफिट सिलेक्ट कर लेना है, देन वील हॉप इन टू द शार. सो लेट्स फर्स्ट सिलेक्ट द आउटफिट. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं जिधर जाने वाला हूँ वो एक इनफॉर्मल फंक्शन है, जिसके अंदर मैं कोई भी पार्टी लुक टाइप आउटफिट रॉक कर सकता हूँ, तो इसके लिए मैं अपने आउटफिट्स उसी हिसाब से चूज़ करूँगा. तो ये ब्लैक जीन्स और ब्लैक हुडी जो है वो मेरा फेवरेट है, तो ये इसके साथ मैं ये ब्लू डेनिम जैकेट जो है वो रॉक करने वाला हूँ. सो लेट्स गो विद दिस आउटफिट एंड आई शो यू द लुक. शार में जाने से पहले मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ कि मेरा जो बियर्ड है वो ऑन पॉइंट है, मुझे कोई ग्रूमिंग की ज़रूरत है क्या, तो मैं सबसे पहले ग्रूमिंग कर लेता हूँ और उसके बाद ही मैं शार के लिए हॉप करता हूँ. सो लेट्स गेट इन द शावर. आफ्टर शावर मैं सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखता हूँ कि मुझे जो है टॉवल ड्राई करना है, पैट ड्राइंग करना है मेरे हेयर को. मैं ज़्यादा रफली ड्राई नहीं करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे हेयर फॉल हो सकता है, तो इस चीज़ के लिए बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो आप हेयर ड्राई करोगे आपके वो एकदम सॉफ्टली टॉवल ड्राई करना है, जिसके अंदर आप कोई भी बाल खींचोगे नहीं और कोई बाल आपके टूटेंगे नहीं. फिर मैं ये जो सीरम है, जो ये मेरा फेवरेट सीरम है जो कि लॉरियल की तरफ से है, ये सीरम मैं अप्लाई करता हूँ. सो ओनली 2-3 ड्रॉप्स ऑफ इट, एंड वो स्कैल्प में नहीं सिर्फ ऊपर ऊपर से अप्लाई करना रहता है, तो ये सीरम मैं अप्लाई कर लेता हूँ. सीरम अप्लाई हो जाने के बाद इट्स टाइम फॉर स्किन केयर. तो मैं स्किन केयर के लिए जो मेरा मैन कंपनी का मॉइस्चराइज़र है ये यूज़ करता हूँ. ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, जिसके अंदर शिया बटर एंड और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो कि मुझे नॉन ग्रीसी लुक और बहुत ही अच्छा एक मॉइस्चराइज फेस और मेरे जो पोर्स है वो पूरा ओपन कर देता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे स्किन पर और मुझे बहुत अच्छे से सूट करता है. इसी के साथ मेरा पूरा जो स्किन केयर और हेयर केयर है मैं कंप्लीट करता हूँ सीरम और मॉइस्चराइजर लगाने के बाद. सो आफ्टर ऑल द स्किन केयर एंड हेयर केयर, नाउ इट्स टाइम टू डू माय हेयर, आई मीन सेट माय हेयर, ब्लो ड्राई माय हेयर एंड डू एवरीथिंग, एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग स्ट्रेट टू ग्रैब माय क्लोथ्स. सीधे अपने कपड़े पहनूंगा, कपड़े पहन के फिर मैं आप लोगों को पूरा करके दिखाता हूँ कैसे क्या करना है. तो चलो चलते हैं सीधे चल के, ये जो मैंने कपड़े यहाँ पर मेरे जो मैंने सेट करके रखे हैं इनको पहन के मैं आप लोगों को बताता हूँ तो जैसे कि हम लोग ने डिसाइड किया था ब्लैक जीन्स विद ब्लैक हुडी एंड स्काई ब्लू डेनिम जैकेट. सो दिस इज माय फेवरेट जीन्स, वन ऑफ माय जीन्स दैट आई वेयर एवरी डे. सो बूम वाओ दैट्स रियली नाइस, एंड आई हैव दिस ब्लैक हुडी. ये हुडी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और डेनिम जैकेट के अंदर जब भी मैं कोई आउटफिट चूज़ करता हूँ तो मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ कि हुडी विद डेनिम जैकेट जाओ, क्योंकि वो एक बहुत एजी और अच्छा लुक देता है. सो दिस इज़ इट द हुडी, एंड इसके बाद अभी हम लोग अपने हेयर को जो है वो सेट कर लेंगे. तो आई ब्लो ड्राई माई हेयर, सो वी विल टेस्ट एंड डोंट वरी 100% श्योर. इसके बाद एक हेयर स्टाइलिंग का वीडियो पक्का मैं लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं कंप्लीटली कैसे अपने बाल स्टाइल करता हूँ, सेट करता हूँ, ब्लो ड्राई करता हूँ, सभी चीज़ बताने वाला हूँ. सो डोंट वरी, जस्ट वेट फॉर दैट. एक प्रो टिप मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके अंदर आपको आपके हेयर को इस तरह से ड्राई करना है कि अगर आपको लेफ्ट साइड में ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए तो पहले उसको राइट साइड में ब्लो ड्राई करो एंड फिर उसको लेफ्ट साइड में वापस से लेके आओ, जिसकी वजह से अच्छा सा वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा. आफ्टर दैट नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई द हेयर क्ले. आई यूज़ लॉरियल प्रोफेशनल क्लेफाई हेयर वैक्स. ये एक बहुत ही अच्छा क्ले वैक्स है, जिसका होल्ड बहुत अच्छा है एंड इट हैज़ वेरी नाइस टेक्सचर. तो इतना सा ही मैं अपने बालों में यूज़ करता हूँ, मुझे इतना सा एकदम इनफ हो जाता है. सो लेस इज मोर इन दीज हेयर क्लेज एंड एवरीथिंग. अच्छे क्वालिटी का हेयर के लिए अगर आप यूज़ करोगे तो आपको हमेशा उसको कम ही अप्लाई करना पड़ेगा, आपको उसको ज़्यादा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा. तो एकदम पिंच अमाउंट मैंने अप्लाई किया, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा टेक्सचर क्रिएट हो गया है और इसका होल्ड बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है, बहुत अच्छा रहता है.
नाउ लेट्स गो एंड ग्रैब द डेनिम जैकेट एंड हम लोग ये आउटफिट को कंप्लीट करेंगे. सो ये डेनिम जैकेट मैंने चूज़ किया है, ये मेरा फेवरेट डेनिम जैकेट है जिसमें एक टोन बहुत अच्छा टोन दिया हुआ है और शेडेड वाइब है जो कि मुझे बहुत पसंद है. और इस परफेक्ट ओकेजन के लिए परफेक्ट आउटफिट जो मैंने सिलेक्ट किया है उसके लिए मुझे डेनिम जैकेट बहुत ज़्यादा पसंद है. तो इसको हम लोग परफेक्टली सेट कर लेते हैं और इसके बाद थोड़ी सी एक्सेसरीज ऐड करेंगे थोड़ा और एजी लुक लाने के लिए. सो लेट्स गेट इट. यहाँ पे मेरा डेनिम जैकेट कम्प्लीटली मैंने सेट कर लिया है हुडी के साथ एंड इट इज़ ऑल डन. सिर्फ एक चीज़ बाकी है, आई अप्लाई द परफ्यूम. एज यू गाइस कैन सी दिस इज द मैन कंपनी नॉयर परफ्यूम और इसको मैं 2 to 3 स्प्रेज मैक्सिमम लगाता हूँ और ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है. सो इस कंप्लीट एक अच्छे से रिसेप्शन के लिए मैंने जो भी चीज़ें यूज़ की है ये सारी मेरी फेवरेट चीज़ है. 2 to 3 स्प्रेज इज मैक्सिमम विच इज़ डन. और शूज़ हम लोग जो चूज़ करेंगे इसके बाद वो है नाइकी एयरफोर्स वंस. नाइकी एयरफोर्स वंस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट शूज़ एंड इस आउटफिट पर कम्प्लीटली मैच करेंगे एंड दैट विल बी अ परफेक्ट वाइब. सो इसके लिए मैंने नाइकी एयरफोर्स वंस चूज़ किया है. यू कैन ऑल्सो गो विद बूट्स और समथिंग लाइक दैट बट दिस इज़ वन ऑफ माई पर्सनल स्टाइल. आई ऑल्सो हैव बैलेंसियागास आउट देयर बट राइट नाउ ओनली एयरफोर्स वंस विथ नो शो सॉक्स. एंड प्लीज़ गाइज सॉक्स पहनना मत भूलना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज इट गाइज. बस इस लुक को कम्प्लीट करने के लिए मैंने लास्ट में ये एक अच्छा सा जो पेंडेंट है चेन एक डाला है और कुछ रिंग्स डाल दिए. बस इसी के साथ जो है मैं पूरा लुक कम्प्लीट करता हूँ. जैसे कि आप लोग देख सकते हो पूरा टॉप टू बॉटम मैं आप लोग को फुल व्यू एक दिखा देता हूँ कि कैसा दिख रहा है ये. तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कम्प्लीट टॉप टू बॉटम एक ऐसा लुक आ रहा है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ विद शूज़. तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने एयरफोर्स वंस बोला था तो मैंने एयरफोर्स वंस को ही चूज़ किया है. सो गाइस ये था एक कंप्लीट गेट रेडी विद मी सेशन. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना. नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको स्मैश कर दो, सब्सक्राइब कर दो. एंड आई एम स्वेटिंग, लिटरली स्वेटिंग. इसके लिए तो सब्सक्राइब करना बनता है यार, कम ऑन. जस्ट हिट दैट सब्सक्राइब बटन. हम लोग जल्दी 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने वाले हैं. एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे और वीडियोस आप लोग को इस गेट रेडी विद मी सेशन के लिए चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. मैं जो ऐसे वीडियोस है लाता रहूँगा, रेगुलरली आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा. और अगर आप लोगों को कोई भी फैशन इंस्पिरेशन या कोई भी चीज़ चाहिए तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो. मेरा इंस्टाग्राम है @sahilhimnani जो कि इधर दिख रहा रहेगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी डाल दूंगा. लाइक ज़रूर करके जाना. थैंक यू सो मच. पीस.